नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। जौनपुर के सीतम सराय बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सुअर का मांस बेच रहे दुकानदारों का पुलिस ने दुकान बंद करवाया तो पुलिस की इस कार्रवाई पर आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के थाना नेवरिया अंतर्गत सीतम सराय बाजार गोतवान मार्ग पर सोनकर जाति के लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानें खोलकर सुअर का मांस बेच रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर सारी दुकानों को बंद करवा दिया। इस बीच एक परिवार के पुरुष ने घर में दुबककर महिलाओं को आगे कर पुलिस पर पथराव करा दिया, जिससे चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लाल बहादुर सिंह, कांस्टेबल उमेश यादव, होमगार्ड रमा शंकर, होमगार्ड दया राम गंभीर रूप से घायल हो गए। घर की महिलाएं बार बार कटार निकालकर पुलिस पर हमला करने के लिए तत्पर रहीं। पुलिस को अपनी बचाव में आते हुए हल्का बल प्रयोग कर गुड्डू सोनकर के परिवार के लोगों को हटाया बढ़ाया गया। जौनपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पथराव करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतम सराय बाजार गुतवन मार्ग पर थाना मेवरिया में पड़ेगा, तो यहाँ पर सोनकर लोग सुअर की मांस की अवैध बिक्री करते हैं। आज 30/8/20 को लॉकडाउन की बंदी थी, साथ में मुहर्रम भी था और इनके द्वारा सुअर के मांस की बिक्री की जा रही थी। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो बाकी लोगों ने तो अपनी दुकानें बंद कर लिया, लेकिन गुड्डू सोनकर, सनाब राजा सोनकर, इनके परिवार की महिलाओं और बच्चों के द्वारा पुलिस पर हमलावर होते हुए लाठी डंडे, कील और चाकू तथा ईंट पत्थर से प्रहार किया गया, जिसमें कि चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लाल बहादुर यादव, कांस्टेबल उमेश यादव, होमगार्ड राम शंकर और दयाराम, इनके चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में हल्का बल प्रयोग करते हुए इनको वहां से हटाया गया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभी तुम तलाश की जा रही है।